मैं डॉक्टर नाथूलाल गुर्जर, विधि विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। छात्रों, आपको आज महिलाओं के सांपत्तिक अधिकार और विधि के बारे में आज चर्चा करेंगे। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार जो प्राचीन समय में जो नहीं दिए जाते थे, वर्तमान में महिलाओं की जनसंख्या विश्व में लगभग आधी है और महिलाएं वर्तमान में 2/3 महिलाएं श्रमिकों के रूप में कार्यरत है और उनमें से 11% महिलाएं हैव बीन डिक्लेयर एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इंडिया। ओनली 1% वुमेन्स हैव प्रॉपर्टी राइट्स इन द वर्ल्ड प्रॉपर्टी। महिलाओं की जो स्थिति प्राचीन समय में एक वस्तु के रूप में मानी जाती थी और उन्हें चुनाव के अधिकार और संपत्ति के अधिकारों से वंचित किया जाता था, लेकिन मुगल काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में और भी गिरावट आ गई और स्वतंत्रता के काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति में कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। महिलाओं की प्राचीन समय में भारत में गार्गी, मैत्री और इंदिरा गांधी से लेकर महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। अब हम संपत्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे। संपत्ति से तात्पर्य ऐसी कोई भी वस्तु जिसे व्यक्ति स्वत्व और कब्जा रखता हो, इसमें और वो कुछ मूल्यवान भी हो सकती है। इसलिए संपत्ति अचल और चल हो सकती है। अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि, भवन आदि आते हैं जो हमें भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, और सचल जिसे चल संपत्ति, मोबल संपत्ति कहते हैं, उसमें जो ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाई जा सकती है, उठाई जा सकती है, वहननीय हो सकती है, वो संपत्ति आती है। इसी प्रकार से संपत्ति को मूर्त और अमूर्त संपत्ति के रूप में नामित किया जाता है। मूर्त संपत्ति से तात्पर्य जो भौतिक संपदा जिसमें हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे महसूस करते हैं, वो संपत्ति आती है, जैसे फर्नीचर, टेप रिकॉर्ड इत्यादि, भूमि, भवन इत्यादि। इन टेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो संपत्ति जो हमें न तो दिखाई देती और न ही हम उसे छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते, अर्थात इसके अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल इत्यादि आती है। अब संपत्ति का अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के जो तात्पर्य को धारा 5 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और संपत्ति अंतरण से तात्पर्य ऐसा कोई भी जीवित व्यक्तियों के मध्य में संपत्ति का वर्तमान या भविष्य में होने वाला एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में स्वयं और या अन्य व्यक्तियों के बीच में सहव्यवहार संपत्ति के बारे में किया जाता है, इसे हम संपत्ति अंतरण कहते हैं। जीवित व्यक्तियों के अंतर्गत कंपनी, एसोसिएशन, व्यक्तियों का समुदाय भी हो सकता है, चाहे ये निगमित हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संपत्ति के अंतर्गत सारी जो कंपनियां अर्थात प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति जिसका निर्माण विधि के अनुसार हुआ हो, वो सब संपत्ति धारित वेनित कर सकते हैं। सिंपली संपत्ति के कई प्रकार जो हैं वर्तमान में है, इसमें जो मोबल, चल और अचल संपत्ति जिसका हम पूर्व में जो वर्णन कर चुके हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत केवल अचल संपत्ति, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत केवल अचल संपत्ति को परिभाषित किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार अचल संपत्ति को परिभाषित किया हुआ है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में केवल सकारात्मक संपत्ति, अचल संपत्ति के बारे में व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार से संपत्ति जिसे हम भौतिक संपदा और अभौतिक संपदा के रूप में संज्ञापित कर सकते हैं। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला जो टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल से जैसा कि हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि मूर्त संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जो हमें दिखाई देती है, जिसे महसूस करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत जो ऐसी संपत्ति जो व्यक्ति की पूंजी, विचार, बुद्धि आदि के उपार्जन से
प्राप्त की जाती है, अर्थात कॉपीराइट है। इसी प्रकार से आपके इंटेलेक्चुअल पेटेंट एक्ट है, ट्रेड एक्ट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, इत्यादि संपत्तियां जिनको व्यक्ति अपने मानसिक प्रयासों से, बुद्धि से, विचार से उसे प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अलग अलग संपत्तियों को बताया गया है। उनमें एक सहप्रतिबंधी संपत्ति और अप्रतिबंधी संपत्ति। सहप्रतिबंधी संपत्ति जो व्यक्ति द्वारा स्वयं द्वारा अर्जित की जाती हो, लर्निंग एक्ट, राइट टू लर्निंग एक्ट 1930 था, उससे पहले व्यक्ति अगर नौकरी भी करता था अपने परिवार में और संयुक्त परिवार की संपत्ति से यदि वो आज नौकरी प्राप्त करता था तो उसमें से संपत्ति का बंटवारा होता था। लेकिन अब 1930 के बाद में महिलाओं का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को केवल 3 प्रकार की विधवाएं, जो विधवा, मृतक की विधवा, पुत्र विधवा और पौत्र विधवा को जो सैदाई की संपत्ति में अधिकार दिया। इसी प्रकार से संपत्ति जो एंशेंट पैतृक संपत्ति है, जो हमें पुरखों से, पूर्वजों से मिली हुई हो, या इसी प्रकार से हम संपत्ति के अंतर्गत जो स्वयं अर्जित संपत्ति एक महिलाओं के बारे में है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में सैदाई संपत्ति के बारे में हित बताया गया। इसी प्रकार से धारा 14 में 1 में स्त्री धन जो, और 2 में स्त्री संपदा के बारे में बताया गया है। स्त्री जो कोई भी किसी उत्तराधिकार के माध्यम से, अतिजीविता के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, पट्टा के माध्यम से, मोर्गेज, प्रभार, विक्रय और गिफ्ट आदि स्त्री धन के बारे में जो संपत्ति है। संपत्ति में जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 2 शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा में सैदाई की को, अर्थात संयुक्त हिंदू परिवार की महिला सदस्य होती थी लेकिन संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। लेकिन अभी हाल ही में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जो संशोधन हुआ और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से महिलाओं को सैदाई की संपत्ति में अधिकार दिया गया, अर्थात दायभाग विधि की वर्तमान में महिलाओं की जो स्थिति को मजबूत किया गया। अब आइए हम संपत्ति के से संबंधित हमारे संविधान में जो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार माना जाता था, लेकिन 46वें संशोधन के माध्यम से जो 1976 में जो संशोधन हुआ और उनमें अनुच्छेद 3 क्या जोड़ा गया जो संवैधानिक अधिकार हो गया, तो महिलाओं के जो विभिन्न प्रकार के अधिकार अलग अलग कानूनों में जो बताए हुए हैं वो हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 1937, इसी प्रकार से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 6, 14, 29 और 30, इसी तरह इंडियन सक्सेशन एक्ट, इसमें वसीयत के बारे में भी काफ़ी प्रावधान किए हुए हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसी प्रकार से लैंड सीलिंग ऑफ होल्डिंग एक्ट, इसी प्रकार से राजस्थान टेनेंसी एक्ट में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया, राजस्थान लैंड लॉ एक्ट में भी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। इसी प्रकार से जो महिलाओं से संबंधित या पुरुष, उसमें कन्वर्जन, अलॉटमेंट, म्यूटेशन और ट्रांसफर के माध्यम से संपत्ति अंतरित की जाती है। अब लेटेस्ट पोजीशन वुमेन की प्रॉपर्टी जो हिंदू सक्सेशन जो अधिनियम है, उसमें एक महिलाओं को जो पहले पूर्ण विवाह कर लेती थी उसे अधिकार दिया गया। इसी प्रकार से महिलाओं को जो उसको पूर्ण स्वामी का अधिकार दिया गया, इसी महिलाओं को उसे सैदाई की बनाया गया और महिलाओं को वसीयत करने का अधिकार भी, संपत्ति को वेनित करने का अधिकार गया। अब जो एक पुत्री है, एक पुत्र की बराबर सैदाई की बन गई है, वह संपत्ति की पूर्ण मालिक जो बन गई है और वो अब वो पुनः विवाह के बाद में भी संपत्ति का अधिकार रख सकती है। और अब महिलाएं जो है अपनी संपत्ति को अपने जो ट्रांसफर कर सकती है। इसी प्रकार से जो स्पेशल प्रोटेक्शन गिवन द STSC वुमेन्स, उसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, उसमें धारा 38 से 53 तक, चाहे वो संपत्ति विक्रय की जाती हो, चाहे बंधक की जाती हो, चाहे प्रभार में ली जाती हो, चाहे उसका एक्सचेंज किया जाता हो, चाहे उसका बंटवारा किया जाता हो, महिलाओं के बारे में विशेष संरक्षण यदि वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है तो उनको प्रोटेक्शन किया हुआ है। इसी प्रकार से जो STSC जो एट्रोसिटी जो प्रिवेंशन एक्ट, उसमें भी महिलाओं से संबंधित जो अधिकार है धारा 3 के
क्लॉज 1 से लेके 5 तक महिलाओं से संबंधित अधिकारों को वर्णित किया गया। और अब जो संपत्ति से संबंधित महिलाओं का विशेष प्रकार के जो प्रावधान है, वो जो स्टील बोर्न अजन्मा बच्चा है, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, शारीरिक पाल्सी से ग्रसित हो, मेंटल रिटार्डेड हो, चाहे ब्लाइंड हो, अंधा हो, बहरा हो, या विद्यार्थी जो कोई शिक्षा अर्जन किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में शिक्षा अर्जित कर रहा हो, और यदि वो 25 वर्ष से कम का है तो उसे संपत्ति किराए पर, अपनी भूमि किराए पर देने के बारे में विवेचना की गई है। इसी प्रकार से हमारे सैनिक हैं, सैनिक भाइयों को भी जो है इन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत और कई अधिनियमों के अंतर्गत संपत्ति संबंधी अधिकार जो दिए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या अन्य प्रकार के जो भूमि भी कई हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए भी जो भूमि जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्रालय के माध्यम से दी जाती है। इसी प्रकार से महिला जो अविवाहित हो या महिला वो विधवा हो या वो डेजर्टेड परित्यक्ता हो, उन महिलाओं के लिए भी सरकार ने कई प्रकार की संपत्तियों में जो दिए हैं अधिकार। इसी प्रकार से जो हमारी महिलाओं को जो राजस्थान में खासकर जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें कई प्रकार की राजस्थान सरकार ने अधिसूचना और कानून बनाकर ये विशेष अधिकार दिए हैं कि पुरुष के लिए तो यदि संपत्ति अंतरित की जाती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज 10% के करीब लगता है, और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए उसे आधे से भी कम जो छूट पर 4% के लगभग रजिस्टर जो लिया जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान स्टाम्प वैल्यूएशन एक्ट है, उसमें यदि महिला निर्धन है या बेसहारा है या विधवा है तो उसमें स्टाम्प में जो है या CPC की धारा में विशेष आदेश 33 के तहत पापर सूट जो दायर करने का अधिकार दिया गया है। और इसी प्रकार से महिलाओं को जो म्यूनिसिपलिटी जो एक्ट है उसमें 2009 में विशेष प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं, और हमारे संविधान के संशोधन 73वां और 74वां जो कि 1992 में जो किया गया पंचायत राज जो, और इसी प्रकार से नगर पालिका संस्थाओं में 50% जो महिलाओं को जो रिजर्व 1/3 जो सीटें की गई है, और राजस्थान पंचायत राज एक्ट में भी की गई। तो इस प्रकार से महिलाओं का जो संपत्ति का अधिकार जो प्राचीन समय में चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में विशेष प्रकार से प्रोटेक्शन दिए गए और उनमें संरक्षण किया गया। इसी प्रकार से यदि महिला रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर मान लीजिए विवाह करती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ हिंदू महिला है और तो ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होके और उसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में भी जो खास तौर से वसीयत से संबंधित टेस्टामेंट्री या संपत्ति महिलाओं को भारतीय उत्तराधिकार जो अधिनियम है 1956 उसमें आप देखेंगे कि उसकी प्रथम अनुसूची में 12 प्रकार की जो महिलाएं हैं उनमें से 8 महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से 2/3 जो संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार दिए जाने से महिलाओं के आत्मसम्मान और शोभामान में निश्चित रूप से अभिवृद्धि हुई है। धन्यवाद।